Hi all, welcome to this lesson. So this is our unit number 19 HRM which is based on employee discipline and we will learn discipline management. Discipline को कैसे manage किया जाएगा इसको समझेंगे दोस्तों. आइए समझते हैं, start करते हैं अपने इस lecture को, एक एक point को ध्यान से समझते हैं दोस्तों. Let's begin. दोस्तों बताया जा रहा है आपको, सबसे पहला point है कि workplace पे discipline कैसे हो. तो चलिए समझते हैं क्या बताया जा रहा है आपको. Let's discuss. So friends, what I've been explained here, let us discuss the point in detail. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है. प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, प्रोसीड्यूर होते हैं जो कि ये फॉलो करती है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए. ये जो रूल्स और प्रोसीड्यूर होते हैं उससे क्या होता है, ऑर्डर मेंटेन होता है और इंश्योर करता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं सेम गोल के लिए. जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास रूल्स हो सकता है कि कैसे एम्प्लॉय ड्रेस हो, कैसे वो बिहेव करे वर्कप्लेस में. दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एचआर डिपार्टमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एचआर पॉलिसी बनाए जो कि आउटलाइन करता है रूल्स एंड प्रोसीड्योर जो कि एम्प्लॉय को फॉलो किया एम्प्लॉय फॉलो करेगा. दोस्तों ये जो पॉलिसी होता है वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है सभी एम्प्लॉय के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं एम्प्लॉय का जो कि स्पेशल फंक्शन में काम करते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक एचआर पॉलिसी है वो अप्लाई होता है सभी एम्प्लॉय के लिए, लेकिन दोस्तों एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट जिनका अपना सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्योर है फॉलो करने का. दोस्तों रूल्स को वैरायटीज ऑफ थिंग के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कैसे एम्प्लॉय बिहेव करेंगे वर्क प्लेस में, कैसे वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे वो अपने जॉब ड्यूटीज को कैरी करेंगे. जैसे बैंक में दोस्तों बहुत सारे रूल्स हैं कि कैसे एम्प्लॉय हैंडल करे कस्टमर के अकाउंट को, कैसे वो सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें. दोस्तों ये जो रूल्स और प्रोसीड्योर है वो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और एम्प्लॉय के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जब वो काम कर रहे होते हैं. जैसे कोई एम्प्लॉय है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि फोन यूज करना जब वो जॉब में रहे, या दोस्तों उसको स्पेसिफिक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा. तो ये जो रूल्स है दोस्तों ये जरूरी है ताकि आप इफेक्टिवली बिजनेस को कंडक्ट कर सकें और आप डिसिप्लिन वर्कप्लेस में मेंटेन कर सकें. पार्टिकुलरली बैंक की बात करें तो बैंक को स्पेशली विजिलेंट होना पड़ेगा इन डिसिप्लिन के केस में या डिसऑनेस्टी के केस में अपने एम्प्लॉय में. ऐसा इसलिए दोस्तों कि बैंक जो है पब्लिक के मनी को सेफगार्ड करती है और कोई भी ट्रस्ट का यदि ब्रीच होगा उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा. जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक एम्प्लॉय है उसे देखा गया कि पैसा चुरा रहा है, तो इसको सिवियरली डील करना चाहिए, राइट. सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट हेयर, व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन हेयर. दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बताया जा रहा है आपको कि दोस्तों एम्प्लॉय डिसिप्लिन जो है वॉलंट्री होगा और एम्प्लॉय फॉलो करेंगे रूल्स एंड नॉर्म्स को अपने कन्विंसन से, जो उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है. दे शुड नॉट बी फोर्स्ड, राइट. सो एम्प्लॉय डिसिप्लिन इज अ वॉलंट्री कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट अ वॉलंट्री कॉन्सेप्ट. जैसे यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, जैसे कोई मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक रूल है कि दोस्तों टाइमली वर्क पे अराइव करना है, एम्प्लॉय एक एफर्ट करे कि वो टाइमली वर्क पे आ जाए, काम पे आ जाए टाइम के अनुसार, ठीक है. और दोस्तों क्योंकि वो समझे कि पंचुअलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और दोस्तों कोई डिसिप्लिनरी एक्शन को फियर ना करे, वो इसको समझे कि पंचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ये नहीं सोचे कि हमको नम डिसिप्लिनरी एक्शन फियर डर के डिसिप्लिनरी एक्शन के डर से वो ना जाए. फिर दोस्तों जो नॉर्म्स है बिहेवियर का वो क्लियरली डिस्क्राइब हो, रूल्स जो है अपडेटेड हो, जैसा कि रिफ्लेक्ट करे वर्कप्लेस में चेंजेस को. ऐसे मान लीजिए कि कोई संस्था है वो अपने सो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लीडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो लीड करेंगे एग्जांपल से जब वो इंस्ट्रक्शन इशू करें गुड बिहेवियर के लिए. जैसे मान लीजिए कि मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय को कि टाइम पे आओ, तो दोस्तों वो एफर्ट लेगा कि टाइम पे आ जाए. जब भी कोई एम्प्लॉय कुछ करता है अच्छा तो उसको प्रेज किया जाए अपने कलीग के सामने ताकि वो मोराल बूस्ट कर सके और गुड बिहेवियर को रिइंफोर्स कर सके. तो दोस्तों जब भी कोई एम्प्लॉय मिस्टेक करे तो उसको रिप्रीमेंड किया जाए प्राइवेट में ताकि एम्बैरेसिंग ना हो उसके लिए, और उसको एक चांस दिया जाए कि अपने बिहेवियर को करेक्ट कर सके, ठीक है. ये बताया जा रहा है दोस्तों कि वही चीज़ समझाया जा रहा है कि जब भी वो कुछ मिस्टेक करे प्रेज एम्प्लॉय इन पब्लिक एंड रिप्रीमेंड देम इन प्राइवेट. तो जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है उसने अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल से पहले ये कर लिया कंप्लीट कर लिया, तो उसके मैनेजर जो है पब्लिकली उसे प्रेज करेंगे टीम मीटिंग में. और दूसरी तरफ दोस्तों कोई एम्प्लॉय है वो लेट आता है काम करने पे, तो उसके मैनेजर जो है एक प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल करेंगे उसके साथ ताकि इस इशू को डिस्कस कर सके. दोस्तों हॉट स्टोव थ्योरी क्या होता है, डिसिप्लिन का हॉट स्टोव थ्योरी होता है. इसके अंदर होता है कि आप डिसिप्लिन को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि हॉट स्टोव है, मतलब दोस्तों इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का, और जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो कंसिस्टेंट होगा और फेयर होगा. जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है उसे देखा गया कि वो कंपनी से चोरी कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाए कोई एक्सेप्शन के साथ नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं देना चाहिए. दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो इफेक्टिव डिसिप्लिन होता है वर्कप्लेस में, इसमें आपको सभी को फेयरली ट्रीट करना होता है, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन फेयरली. और दोस्तों क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ता है रूल्स को और इम्पार्शियल रहना पड़ता है जब भी आप इन डिसिप्लिन के केस को डील करें. जैसे मान लीजिए कि दो एम्प्लॉय हैं,
वो सेम रूल को वायलेट करते हैं तो दोस्तों सेम डिसिप्लिनरी एक्शन रिसीव करेंगे, चाहे उनका पोजीशन कुछ भी रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों पॉजिटिव डिसिप्लिन से क्या होता है कि गुड बिहेवियर इंकरेज करता है और रिइंफोर्स करता है पॉजिटिव फीडबैक से, जिस कारण से पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट आता है दोस्तों, और इसके मोराल बढ़ता है और स्ट्रॉन्गर टीम स्पिरिट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय है वो दोस्तों अपने काम में जो है ऊपर जाता है, बियॉन्ड जाता है, तो उसके मैनेजर जो है उसको बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं उसके एप्रिसिएशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों कि बताया जा रहा है कि जो नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या होता है कि आप पनिशमेंट को यूज़ करते हैं ताकि एम्प्लॉय को फोर्स करते हैं, ठीक है, पनिशमेंट के माध्यम से एम्प्लॉय को आप फोर्स करते हैं, ये होता है हमारा नेगेटिव डिसिप्लिन, ठीक है। तो नेगेटिव डिसिप्लिन में आप पनिशमेंट के माध्यम से एम्प्लॉय को फोर्स करते हैं कि वो रूल फॉलो करे, जिस कारण से दोस्तों क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है रूल केवल इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो पनिशमेंट के डर से रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है वो फ्रिक्वेंटली काम में लेट आ रहा है, ठीक है, तो उसके मैनेजर जो एक वार्निंग इशू कर सकते हैं या उसे सस्पेंड कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय फिर क्या करेगा, टाइम पे आने लगेगा, इसलिए यहाँ टाइम पे आने लगेगा क्योंकि उसे डर है कि वो पनिशमेंट मिलेगा। पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या होता है कि आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं ताकि अच्छा बिहेवियर को इनकरेज कर सकें और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके म्यूचुअल ट्रस्ट का और ओपननेस का। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो अपने परफॉर्मेंस टारगेट को कंसिस्टेंटली मीट कर रहा है, तो उसके मैनेजर उसे बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं ताकि उसके एप्रिसिएशन को शो कर सके हार्ड वर्क का। दोस्तों डिसिप्लिन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से वॉलंटरी कंप्लाई करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है रूल को और वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में बिलीव करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वह संस्था है उसका पॉलिसी है रिसाइकिलिंग का, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेंगे, खुद से वॉलंटरली पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो डिसिप्लिन मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि इनडिसिप्लिन के केस को डील करते हैं या मिसकंडक्ट के केस को डील करते हैं जब एम्प्लॉय रूल्स को वायलेट करते हैं, रेगुलेशन को वायलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है वो हैरेसमेंट में इंगेज है, डिस्क्रिमिनेशन में इंगेज है या थेफ्ट में इंगेज है, तो उसके मैनेजर जो ये जो या जो एचआर डिपार्टमेंट होंगे उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है इंसिडेंट को और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, जैसा कि टर्मिनेशन, सस्पेंशन या रेप्रीमेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों काउंसलिंग। काउंसलिंग एम्प्लॉय एक प्रोसेस होता है कि आप एम्प्लॉय से बात कीजिए, उसके बिहेवियर के बारे में उसको हेल्प कीजिए समझने में क्या है, क्यों वॉलंटरली रूल को फॉलो करना जरूरी है उसे समझाइए, ये होता है काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग करवा सकते हैं आप। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है फ्रिक्वेंटली एब्सेंट रह रहा है, तो उसके मैनेजर जो उसे बात करेंगे, समझेंगे किस रीज़न से वो एब्सेंट हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इज एब्सेंस, और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे कितना इंपॉर्टेंस है अटेंडेंस का होना, उसे सपोर्ट दे सकते हैं, असिस्टेंट दे सकते हैं, एम्प्लॉय को हेल्प कर सकते हैं कि कैसे अटेंडेंस को इम्प्रूव करें, उसको तरीका बता सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये समझते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाया जा रहा है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्तों प्यूनिटिव एक्शन के अंदर आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट, जो टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, तो इसको यूज़ किया जाएगा लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जब दूसरा मेथड जैसे कि काउंसलिंग या ट्रेनिंग फेल हो गए हैं इसको रिजॉल्व करने में। जैसे कोई एम्प्लॉय रिपीटेडली जो है डिस्ट्रप्शन बिहेवियर में इंगेज होता है, उसके मैनेजर वार्निंग इशू करेंगे, सस्पेंड करेंगे और टर्मिनेट भी कर सकते हैं यदि बिहेवियर परसिस्ट होता है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना प्यूनिटिव मेजर के माध्यम से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इस कारण से एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिसंगेज फील करते हैं। और दोस्तों ये अल्टीमेट इंटरेस्ट वर्कर के अल्टीमेट इंटरेस्ट में नहीं होता है, इस कारण से फियर, मिसट्रस्ट और लोअर मोरल आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल प्यूनिटिव मेजर को यूज़ करती है रूल को इन्फोर्स करने में, तो दोस्तों एम्प्लॉय जो है एनएक्सियस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगा, हाई टर्नओवर होगा। दोस्तों क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है इंश्योर कर सके कि एम्प्लॉय समझे रूल्स एंड रेगुलेशन को और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है उसको फॉलो नहीं करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि संस्था का एक पॉलिसी है नो स्मोकिंग, तो वो क्लियरली कम्युनिकेट करे इस पॉलिसी को सभी एम्प्लॉय को और एक्सप्लेन करे कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इस पॉलिसी को वायलेट करने का, जैसा कि फाइन क्या होगा, सस्पेंशन हो सकता है। रूल्स रीजनेबल होना चाहिए और ईजिली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए। यदि रूल्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा या इम्पॉसिबल रहेगा अडेयर करना, तो एम्प्लॉय उसे डिमोटिवेटेड फील करता है, रिसेंटफुल फील करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका पॉलिसी है नो पर्सनल फोन कॉल ड्यूरिंग वर्क आवर, तो वो इंश्योर करे कि एम्प्लॉय के पास एक्सेस हो फोन का ड्यूरिंग ब्रेक एंड इमरजेंसी। ऐसा नहीं कि आप ब्रेक में भी नहीं अलाउ कर रहे हैं, कम से कम ब्रेक में तो अलाउ कीजिए, ठीक है, वो फ़ोन कॉल रिसीव कर सके। ये जरूरी है कि आप एडेरेंस रूल के और रूल को अडेयर करें और इम्प्लीमेंट करें उसे स्ट्रिक्टली, ताकि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके पॉजिटिव डिसिप्लिन का। इसका मतलब दोस्तों आप एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, जैसे कि रिवार्ड और रिकॉग्निशन और डिसिप्लिनरी एक्शन जब भी जरूरी हो। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका पॉलिसी है पंचुअलिटी का, तो एक रिकॉग्नाइज करें एम्प्लॉय को जो टाइमली अराइव कर रहा है उसे, या दोस्तों वार्निंग इशू करे, सस्पेंशन इशू करे जो फ्रिक्वेंटली लेट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक कंपनी है, मान लीजिए इसके पास रूल है, वो इस बताता है कि सभी एम्प्लॉय जो है एक टाई को वियर करेंगे काम पे। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, कंपनी ने रियलाइज़ किया कि ये जो रूल जो है ज़रूरी नहीं है और इसको चेंज करना है कैजुअल ड्रेस कोड में। तो यदि नया रूल को आपको यदि नया रूल को की रिक्वायरमेंट है ताकि इंश्योर कर सके कि आपका कंपनी का फंक्शनिंग स्मूथ हो, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं रिव्यू और मॉडिफिकेशन के माध्यम से। तो वही कह रहा है पीरियडिकल रिव्यू और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं इंप्लॉय काउंसलिंग के बारे में। लेट्स डिस्कस इंप्लॉय काउंसलिंग क्या होता है। दोस्तों मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, कुछ भी सिंपल सिंपल चीज़ है दोस्तों, बस आप समझते जाइए और इस पर को MCQ सॉल्व कर लीजिए, मोर देन एनफ है आपको, आपका दोस्तों एग्जाम में यही सब सवाल आएगा। दोस्तों काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर इंप्लॉय को गाइडेंस दिया जाता है और सपोर्ट दिया जाता है सुपीरियर के द्वारा, ताकि उसको हेल्प कर सके बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। जैसे मान लीजिए कि कोई इंप्लॉय है वो कंसिस्टेंटली काम में लेट आता है, तो उसके मैनेजर उसे काउंसिल कर सकते हैं पंचुअलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके साथ काम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि वो टाइमली आ जाए। काउंसलिंग से आप किसी इंप्लॉय के मोरल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि इंप्लॉय मोटिवेट होता है और उस कारण से बेटर कॉम्प्लायंस होता है रूल्स का और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। दोस्तों आप इंप्लॉय को पनिश नहीं कीजिए माइनर मिस्टेक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होना चाहिए कि उसको हेल्प करें उनके बिहेवियर को इंप्रूव करने में काउंसलिंग और गाइडेंस है। जैसे मान लीजिए कोई इंप्लॉय माइनर मिस्टेक किया, सुपरवाइजर उसे काउंसिल करे कि कैसे इस मिस्टेक को अवॉइड किया जाएगा फ्यूचर में और एक सपोर्ट प्रोवाइड करे उनको इंप्रूव करने में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एक्टिव लिसनिंग होता है, एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अटेंशन पे करते हैं कि क्या इंप्लॉय कह रहा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पैथी शो कर सकते हैं ताकि उसे उसके उसको लगे कि उसका बात सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। एक पॉजिटिव अप्रोच के अंदर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच में का फोकस होता है एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ पे और इंकरेज करता है उसे इम्प्रूव करने में, राइट। पॉजिटिव अप्रोच इंकरेज कर। सो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय काउंसलिंग। तो दोस्तों काउंसलिंग के अंदर आप सुपीरियर के सुनते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रहता है गाइड करने का। दोस्तों एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आप अटेंशन पे करते हैं कि एम्प्लॉय क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एम्पैथी शो करते हैं ताकि वो हर्ट फील करे और दोस्तों ही शुड फील अंडरस्टूड। तो जैसे सुपरवाइजर जो एक्टिवली लिसन करेगा एम्प्लॉय के कंसर्न को, उसके वर्कलोड के बारे में उसे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे अपने टास्क को बेटर मैनेज कर सके, उसे इंकरेज करेगा कि अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करें और जब भी जरूरत हो उसका हेल्प ले। दोस्तों फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए समझते हैं क्या बताया जा रहा है। लेट लिव द नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई इंप्लॉय कमिट करता है एक माइनर एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, तो काउंसलिंग जो हेल्पफुल होता है वही मैंने आपको पहले ही बताया। अब जरा रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे आते हैं। दोस्तों रिफॉर्मेटिव थ्योरी एक्नॉलेज करता है दोस्तों कि जो लोग हैं वो परफेक्ट नहीं है और वो मिस्टेक कर सकते हैं, इंप्लॉय भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई इंप्लॉय मिसकंडक्ट कमिट करे तो दोस्तों उनको पनिशमेंट दिया जाए जो कि फेयर हो और जस्ट हो। मतलब ये हुआ दोस्तों कि पनिशमेंट जो है सिवियरिटी ऑफ मिसकंडक्ट को फिट करे, यानी कितना सीवियर वो मिसकंडक्ट है उसको पनिशमेंट फिट करे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय को देखा गया कि वो काम के समय में फ़ोन यूज कर रहा था, तो जस्ट पनिशमेंट जो है वर्बल वार्निंग हो सकता है या रिटर्न वार्निंग हो सकता है। आप उसे वर्बली वार्न कर दें या उसे रिटर्न में वार्न कर दें। या दूसरी तरफ दोस्तों कोई एम्प्लॉय को देखा गया कि कंपनी से चोरी करते हुए, तो एक पनिशमेंट हो सकता है दोस्तों कि आप सस्पेंशन कर दें या टर्मिनेशन कर दें एम्प्लॉय का, समझ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों पनिशमेंट जो दिया जाएगा वो लेस सीवियर होगा, पनिशमेंट गिवन शुड बी लेस सीवियर टू गिव द एम्प्लॉय अ चांस टू इम्प्रूव, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों कि पनिशमेंट का एम ये होना चाहिए कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को करेक्ट किया जाए, ना कि आप उसे पनिश करें उसके जस्ट सेक फॉर इट। तो पनिशमेंट को प्रोपोर्शनल होना चाहिए कितना ऑफेंस कमिट किया। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय जो है हमेशा काम में लेट आता है, तो एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट हो सकता है कि आप उसे एडिशनल टास्क दे दें कि वो वर्क आवर से पहले कंप्लीट करे या आफ्टर वर्क आवर कंप्लीट करे। तो ये उसका बिहेवियर भी करेक्ट करेगा या और दोस्तों उसको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है पंचुअल होना, ठीक है। तो उसको ऐसा कुछ टास्क दे दीजिए जो कि एडिशनल टास्क दे दीजिए ताकि वो बिफोर या आफ्टर वर्क आवर कंप्लीट करे, ठीक है। उसको समझ में आएगा कितना जरूरी है पंचल होना। फिर दोस्तों नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी प्रोसेस। ये क्या होता है दोस्तों कि तो जब भी कोई इंप्लॉय कोई ऐसा मिसकंडक्ट एक्ट को कंडक्ट करता है, तो इंप्लॉयर या जो पर्सन इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिसिप्लिनरी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। दे मे इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसेस। तो अब देखिए किस तरह का प्रोसेस होता है ये। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, उसको देखा गया कि ऑफिस का सप्लाई को चोरी कर रहा है, तो HR मैनेजर है सुपरवाइजर ऑफ द एम्प्लॉय है वो इनिशिएट कर सकते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसेस को। अब देखिए क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो एम्प्लॉय है उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके मिसकंडक्ट का एलिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा ताकि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें केस के बारे में। जैसे किसी एम्प्लॉय को देखा गया चोरी करते हुए ऑफिस के सप्लाई को, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा एलिगेशन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा ताकि एविडेंस को गैदर कर सकें, जैसे कि CCTV फुटेज या
विटनेस स्टेटमेंट। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं कि दोस्तों यदि एलिगेशन सीरियस है तो एक फॉर्मल हियरिंग भी कंडक्ट किया जा सकता है ताकि एम्प्लॉय के साइड ऑफ स्टोरी को सुन सके और उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके डिफेंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को देखा गया कि वो चोरी कर रहा था ऑफिस के सप्लाई को, उसे फॉर्मल हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा ताकि उसको उसका क्या कहना है, उसका क्या स्टोरी है उसे सुन सके। दोस्तों फिर क्या बताया जाना है कि आप मिसकंडक्ट के सीवियरिटी को देखिए और फिर जो उसका आउटकम है वो वर्बल वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट तक हो सकता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है उसमें रिटर्न वार्निंग दे सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन कर सकते हैं एम्प्लॉय का जो कि देखा गया ऑफिस के सप्लाई को चोरी करते हुए। दोस्तों डिसिप्लिनरी प्रोसेस जो है वो केवल पनिश ऐसा नहीं है कि खाली आप एम्प्लॉय को पनिश कर दिए, दोस्तों आप उसे हेल्प कीजिए ये रियलाइज करने में उसका मिस्टेक क्या है, उसे इनकरेज कीजिए कि वो रूल को फॉलो करे फ्यूचर में, समझे। तो अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई एम्प्लॉय पनिश किया जाएगा मिसकंडक्ट के लिए तो दूसरे एम्प्लॉय को भी इफेक्ट होंगे क्योंकि दोस्तों वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में जानकार रहेंगे कि रूल को ब्रेक करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इससे एक ऑर्डर का सेंस क्रिएट होगा, इनकरेज करेगा सभी एम्प्लॉय को कि वो रूल को फॉलो करें ताकि पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय को देखा गया चोरी करते हुए कंपनी से तो डिसिप्लिनरी प्रोसेस के कारण उसका टर्मिनेशन हो सकता है, तो दूसरे एम्प्लॉय भी अवेयर रहेंगे कि क्या हुआ था और उसको जानेंगे कि चोरी करना जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इससे दोस्तों दूसरे एम्प्लॉय चोरी करने से बचेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों क्या कर रहा है, डिसिप्लिन जरूरी है वर्क प्लेस में ताकि इंश्योर कर सके कि सभी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति काम करें। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिव और एफिशिएंट वर्क प्लेस बनता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो डिसिप्लिन का गोल ये है कि आप किसी एम्प्लॉय को पनिश ना करें बल्कि उसके बिहेवियर को करेक्ट करें। ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना या ज़्यादा लीनियंट होना इस कारण से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। यदि एम्प्लॉय लेट पे काम आ रहा है तो प्रीफर्ड अप्रोच ये है कि उसे काउंसिल करें ताकि उसे गाइडेंस प्रोवाइड करें कि कैसे वो टाइम पे आए फ्यूचर में। ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने एम्प्लॉय को तुरंत टर्मिनेट कर दिया तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों बताया जाए कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे आप मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एम्प्लॉय को काउंसिल करते हैं, राइट, आप मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एम्प्लॉय को काउंसिल करेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर वर्बल वार्निंग देंगे ताकि मिसकंडक्ट को रिपीट ना करें, तो आप उसके लिए वर्बल वार्निंग भी दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कोई एम्प्लॉय को देखा गया कि वो किसी कोवर्कर को हैरेस कर रहा है, ठीक है, और उसको आप बार बार काउंसलिंग दिए, वार्निंग दिए, तब जाके आप उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब दोस्तों क्या बताया जा रहा है, यदि कोई एम्प्लॉय को एक्यूज़ किया गया मिसकंडक्ट के लिए तो एम्प्लॉयर को कंडक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन और एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना पड़ेगा एक अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्ड करने के लिए और एक हियरिंग होल्ड करना पड़ेगा इससे पहले कि आप पेनल्टी इम्पोज करें जो कि कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रिस्क्राइब होते हैं या रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब होते हैं। दोस्तों क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो आपका मिसकंडक्ट जो कि इसके अंदर वायलेशन होता है एथिकल स्टैंडर्ड का, ठीक है, वो एक मैटर है कंसर्न का जो कि अप्रोप्रिएट एक्शन रिक्वायर करता है। जैसे कि एम्प्लॉय है जो कि चोरी करते हुए देखा गया, ये मिसकंडक्ट है, एक स्पेसिफिक पॉलिसी होता है जिसको फॉलो किया जाएगा जब भी आप डिसिप्लिनरी एक्शन को इनिशिएट करें किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि आप वर्बल या रिटर्न वार्निंग दें या दोस्तों आप काउंसिल करें, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि लिया जाएगा उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एडेयर करेगा जो कि जिसके अंदर दोस्तों इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और एक फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंश्योर कर सके। यही होता है दोस्तों कि इनिशिएटिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो दोस्तों फिर आगे क्या बताया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन हियर। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा वो अडहेयर करेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसके अंदर इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉय के पास चांस है कि वो डिफेंड कर सके। जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनके पास उनका क्रिटिकल रोल होता है एम्प्लॉय के मिसकंडक्ट को हैंडल करने में, किनका, सीनियर मैनेजर का, ठीक है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सीनियर मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के पॉलिसी को इन्फोर्स करना और इंश्योर करना कि एम्प्लॉय अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को समझ सके। दोस्तों यदि कोई एम्प्लॉय वर्बली अब्यूजिव है अपने कलीग के लिए तो एक हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और ये डिफिकल्ट होगा दूसरे को कि अपने जॉब को इफेक्टिवली कर पाए, प्रोडक्टिविटी घटाएगा, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। दोस्तों जो पॉलिसीज़ है, जो डिसिप्लिन पॉलिसी है, वो आउटलाइन करे स्टेप जो कि लिया जाएगा अलग अलग तरह के मिसकंडक्ट का और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कंपनी के पॉलिसी को वायलेट करने का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो डिसिप्लिन पॉलिसी है वो एक डिटरेंट की तरह काम करेगा दूसरे एम्प्लॉय को, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की,
ठीक है, तो लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है, रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि डिसिप्लिन प्रोसेस फेयर रहे, जस्ट रहे, जिस मोमेंट से चार्जशीट इशू किया गया है जब तक पनिशमेंट इम्पोज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय को एक्यूज़ है किसी मिसकंडक्ट का, ठीक है, तो कंपनी एक फेयर और जस्ट प्रोसेस फॉलो करेगी ताकि मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और एक पनिशमेंट इम्पोज करे जो कि उसके ऑफेंस से प्रोपोर्शनल होता है। फिर दोस्तों ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो पर्सन जिसको प्रोसेस किया जा रहा है, जिस आदमी को प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब दोस्तों एम्प्लॉय जिसको एक्यूज़ किया गया है मिसकंडक्ट का, उसको सफिशेंट नोटिस दिया जाए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में, उसे चांस दिया जाए कि वो डिफेंड करे खुद को, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है बिना किसी बायस का एक्ट करे। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय है, उसे एक्यूज़ किया गया मिसकंडक्ट का, तो उसे क्लियर और डिटेल चार्जशीट दिया जाए, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि उसके उसके साइड ऑफ स्टोरी को भी सुना जाए, और तब फिर जाके पनिशमेंट इम्पोज किया जाए। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इम्पार्शियल रहे, कोई प्रेजुडिस नहीं रहे किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, उसे समझते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो प्रिंसिपल है ये लॉ नहीं है, लेकिन इनका स्टेटस है जो कि इस लीगल प्रिंसिपल से सिमिलर है। यदि डिसिप्लिन प्रोसीड्यूर जो है किसी कोई कंपनी फॉलो कर रही है वो अनफेयर या आर्बिट्री रहेगा, या यदि दोस्तों पनिशमेंट जो इम्पोज किया जा रहा है वो सीवियर है कम्पेयर टू ऑफेंस कमिटेड, तो इम्प्लॉय इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं पनिशमेंट को चैलेंज करने के लिए। जैसे कोई इम्प्लॉय दोस्तों कोई ऐसा इम्प्लॉय है जिसको अनफेयरली डिसमिस कर दिया गया माइनर ऑफेंस के लिए बिना कोई प्रॉपर चांस दिए हुए डिफेंड करने का, तो वो प्रिंसिपल को यूज़ कर सकता है डिसमिसल के चैलेंज करना और रिड्रेसल सीक कर सकता है। समझे बात को। फिर देखिए आप क्या बताया जा रहा है, प्रिंसिपल क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला है कि एक पर्सन जिसके पास इंटरेस्ट है किसी केस के आउटकम में, वो दोस्तों डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए मेकिंग डिसीजन अबाउट। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का कोई सुपरवाइजर है, वो किसी मिसकंडक्ट के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, तो दोस्तों वो डिसाइड नहीं करेगा डिसिप्लिनरी एक्शन में। ठीक है, तो ये बात है, ये बात तो ध्यान रखना है, ही शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द इन दिस डिसिप्लिनरी एक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है दोस्तों, कि जो इम्प्लॉय है उसे फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके और खुद को डिफेंड कर सके, इससे पहले कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फिर दोस्तों थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इम्प्लॉय है उसे इन्फॉर्म किया जाएगा एलिगेशन उसके अगेंस्ट है क्लियर और डिफाइंड डिटेल मैनर में। जैसे इम्प्लॉय को एक्यूज किया गया हैरेसमेंट का, तो उसे प्रोवाइड किया जाएगा स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द एलिज इंसिडेंट और नेचर ऑफ द कंप्लेन। दोस्तों इम्प्लॉय जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो कन्फ्रंट करे, क्रॉस एग्जामिन करे किसी विटनेस को जिसका स्टेटमेंट को रिलाई किया जा रहा है। जैसे एक कलीग ने रिपोर्ट किया मिसकंडक्ट के इंसिडेंट को, तो इम्प्लॉय जिसे जो कि डिसिप्लिन है उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि क्वेश्चन कलीग को क्वेश्चन करें उसके स्टेटमेंट के बारे में। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई इम्प्लॉय का विटनेस है जो कि प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन जो कि उस केस से रिलेवेंट है, तो उसको अलाउ किया जाए अपने उसको प्रेजेंट करे विटनेस को ड्यूरिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो इम्प्लॉय के पास एक्सेस होना चाहिए डॉक्यूमेंट का जो कि इम्प्लॉयर यूज कर रही है एविडेंस अगेंस्ट देम। जैसे मान लीजिए किसी इम्प्लॉय को एक्यूज़ किया गया चोरी करते हुए, तो इम्प्लॉयर जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, जैसे सिक्योरिटी कैमरा फुटेज या इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ठीक है, जिससे वो प्रूव कर सके कि वो चोरी किया है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो पनिशमेंट है वो ऑफेंस को फिट करेगा। ठीक है, जो जो भी पनिशमेंट आप दे रहे हैं वो दैट शुड फिट द ऑफेंस, शुड फिट द ऑफेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि बैंक में डिसिप्लिनरी एक्शन कैसा होता है। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंक लेट अस डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंक हाउ डिसिप्लिनरी एक्शन आर इम्पोज्ड इन द केस ऑफ बैंक। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि दोस्तों ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, राइट। चलिए आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट बताया जा रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर। बेसिकली क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर वो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि लीगली बाइंड करता है, और दोस्तों सारे एम्प्लॉयर को फॉलो करना है किसी तरह के एस्टैब्लिशमेंट में, जैसे फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर दोस्तों कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर जरूर फॉलो करे जब भी एम्प्लॉयर वायलेट करता है कंपनी पॉलिसी को या मिसकंडक्ट में एंगेज होता है। तो ये रूल दोस्तों एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे एम्प्लॉयर हैंडल करे डिसिप्लिनरी एक्शन को। दोस्तों डिसिप्लिनरी रूल जो वर्कमैन के लिए है बैंक में, वो पहले क्रिएट किया गया था डिसीजन जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा लिया गया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के में। बाद में क्या हुआ, ये रूल को इंक्लूड किया गया फर्स्ट बायपार्टाइट सेटलमेंट में, जो कि एक नेगोशिएशन एग्रीमेंट है बैंक और एम्प्लॉय यूनियन के बीच में। यह एग्रीमेंट कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वेज, बेनिफिट, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर सारे सारे आते हैं। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर का जो एम्प्लॉय रेगुलेशन है, और ऑफिसर एम्प्लॉय रेगुलेशन एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो कि अप्लाई होता है ऑफिसर के लिए जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं। ये
इन्वेस्टिगेशन आउटलाइन करता है कि कंडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा जो कि ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है, और डिसिप्लिनरी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा दोस्तों यदि ऑफिसर स्टैंडर्ड को वायलेट करता है, और अपील प्रोसेस को वायलेट करता है जो कि ऑफिसर यूज कर सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन को चैलेंज करने के लिए। दोस्तों जब कोई पब्लिक सेक्टर बैंक का एक स्टैंडर्ड डिसिप्लिनरी रूल होता है जो कि एप्लीकेबल होता है ऑफिसर और वर्कमैन में, प्राइवेट सेक्टर बैंक का अपना यूनिक सेट ऑफ डिसिप्लिनरी रूल होता है वर्कमैन स्टाफ के लिए। ये रूल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे बैंक का साइज क्या है, किस तरह का सर्विस ऑफर कर रहा है, इंडस्ट्री कहाँ ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बताया जाएगा सेक्शन 14B है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये एक लीगल प्रोविजन है जो कि कहता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का है, मतलब ये हुआ दोस्तों यदि कोई एम्प्लॉयर है और कोई एम्प्लॉय है उसका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो एम्प्लॉयर लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो मैनेजरियल स्टाफ है वो केवल पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पर रिलाई नहीं करेंगे ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन को इन्फोर्स कर सकें या दूसरे आस्पेक्ट को इन्फोर्स कर सकें। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट वन लेक्चर है, पार्ट टू लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। पार्ट टू लेक्चर में हम लोग डिसिप्लिनरी रूल्स अवार्ड स्टाफ की बात करेंगे और भी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे एग्जांपल के माध्यम से। धन्यवाद।